आज हम बनाएंगे बड़े मजेदार यम्मी टेस्टी गोभी आलू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट किस्म की गोभी आलू। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसान सी रेसिपी के साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से डेढ़ पाव के करीब मैंने गोभी ले ली, फ्रेश गोभी लेनी है जिसे मैंने वॉश कर लिया था और उसके फूल छोटे छोटे काट लिए और ध्यान है कि इसमें कीड़े ना हो। और एक दो मैंने सही मैंने गाजर ले ली थी, दो अदद मैंने आलू ले लिए उसको भी हमने चॉप कर लिए, बहुत बारीक चॉप नहीं करने, दरमियाने साइज के चॉप करने। दो अदद मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिए, दोनों हिस्से मैंने काट लिए थे, हरी प्याज के एक वाइट हिस्सा भी और ग्रीन हिस्सा भी। दूसरे के तीन अदद मैंने टमाटर ले लिए दरमियाने साइज के। सबसे पहले हमने गोभी का बादीपन दूर करना है। गोभी में बहुत ज़्यादा बादीपन होता है जिसके लिए हमने डेढ़ गिलास पानी लिया, उसे हमने देगची में डाल के गर्म कर लिया है, लेकिन अभी तकरीबन हमें दो मिनट के लिए इसे पकाना है। जब तक जोश नहीं आए उसे उस वक्त तक के लिए हमने गोभी को देगची में रखना है। उसमें अब हमने इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाल देनी है। ये देखिए हल्दी डाल दी, इससे ये होता है कि इसका वो मुकम्मल तौर पर बादीपन ख़त्म हो जाता है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें दो मिनट हो चुके हैं, अब इसका पानी वेस्ट कर देंगे और गोभी निकाल लेंगे। सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें सारा हमने ये पानी स्ट्रेन कर दिया, गोभी निकाल ली। गोभी वैसे साबित साबित नजर आ रही है आपको। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ जीरा ले लिया, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी। सब्जी बनाने के लिए हमने सबसे पहले खुला सा पॉट लिया और 1/2 कप के करीब उसमें हमने ऑयल डाल दिया और स्प्रिंग अनियन का जो हमने वाइट हिस्सा जो काटा था प्याज का वही लेना, अलग से नहीं लेना, इसी को फ्राई करना है। 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ज़ीरा डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से चलाते रहना है जब तक हमारी प्याज लाइट पिंक ना हो जाए और ज़ीरे में से खुशबू ना आने लगे। जब तक हमें छोड़ना नहीं है वरना प्याज जल जाएगी। इसे हम चलाते जाइए, 1 से 1.5 मिनट में हमारी प्याज पिंक हो जाएगी। ये देखिए 1.5 मिनट हो चुका है। हमें याद है कि हमें फुल फ्लेम पर नहीं बनाना, मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है। अब जो हमने स्टेन की हुई गोभी रखी हुई थी वो ऐड कर देनी है। अच्छी तरीके से इसको चला लें ताकि ये फ्राई हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। और इसमें चॉप की हुई जो हमने वेजिटेबल्स काटे थे गाजर और आलू वो ऐड कर देना है, साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दिए, चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर की आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि टमाटर से थोड़ा सी ग्रेवी भी बनती है और मज़े की भी बनती है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, तमाम चीज़ों को ऐड कर देना एक साथ ही और अब उसको अच्छी तरीके से चलाना है। कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे रखना है। मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये आलू को चेक कर लेते हैं, ये गल गए। इट्स मीन हमारी गोभी आलू रेडी हो चुकी है। अब जो स्प्रिंग अनियन है वो ऐड कर देनी है। स्प्रिंग अनियन हमेशा जब गोभी आलू उतारने से पहले 5 मिनट पहले हम गोभी आलू जब उतारेंगे उससे पहले हमने स्प्रिंग अनियन डालनी है। उसी के साथ ही हमने हरा धनिया डाल देना है और भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, इसकी बहुत अच्छी से खुशबू होती है, गोभी में बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, तमाम चीज़ों को इसी तरह हमने डाल देना है। और फिर 1/2 टीस्पून नमक, आप नमक चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं, मैंने नमक शुरू में नहीं डाला था, आप ऐड कर रही हूँ।
अब तमाम चीज़ों को हमने चला देना है अच्छे तरीके से, सबका अपना फ्लेवर आ जाए सब तमाम सब्जियों का। ये देखें स्प्रिंग अनियन आखिर में इसलिए डाली कि इसका अपना कलर रहे, अगर हम शुरू में डाल देंगे तो उसका कलर काला पड़ जाएगा। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे, मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और हमारी सब्ज़ी हर चीज़ का फ्लेवर आ चुका है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं, कितनी मज़ेदार सी खुशबू और कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें डिफरेंट स्टाइल में गोभी आलू मेरी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसी बनी, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। व्यूवर्स देखे मैं बड़े मज़ेदार यमी टेस्टी और बहुत ही मज़े की आलू गोभी रेडी है और इसमें ना कैरेट भी है, और कैरेट और गोभी तो मुझे इतनी पसंद है क्या बताऊँ, गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा व्यूवर्स। और हरी प्याज भी है, ये देखें तो मज़े की लग रही है, गर्मा गर्म, वाह मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं सारी ले लूं। अब मैं खा के बताती हूँ कि यम्मी लग रही है देखने से, और खाने में आप सोचें कितनी मज़े की होगी। मज़े के लग रहे हैं गोभी आलू में हरी प्याज जो है, इतना मज़ा है सो खाने का, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइए कैसे बनाए। पहले उठें बनाएं मज़े करें मज़े करवाएं, फिर लौट के आऊँगी एक आसान मज़ेदार फन रेसिपी के साथ।